हेलो फ्रेंड्स, बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद इस क्लिप बोर्ड की ये कंडीशन हो जाती है, बिकॉज जो भी इसमें बना हुआ होता है वो पेपर्स कई बार कई लंबे चलते हैं तो वो हट जाता है, बच्चे यूज करते रहते हैं। अब प्रॉब्लम यह आती है, हम इसको थ्रो करें कि इसको रखें, तो इसमें क्लिप भी लगी है। अगर हम इसको कुछ समथिंग डेकोरेटिव कर लेते हैं, कुछ डेकोर अच्छा सा इसमें कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। तो एक बहुत सिंपल सा टेक्सचर आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत इफेक्ट वो है, इनफैक्ट टेक्सचर तो नहीं है, वो एक इफेक्ट है, क्रैकल इफेक्ट। तो वो इफेक्ट इस तरह का कुछ आता है, ये देखिए मैंने एक बॉक्स पे किया था, ये आप लोग शो कर, ये आप लोग को आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ये जो क्रैकल्स हैं ये कैसे आए हैं, दिख रहे होंगे ये क्रैकल्स आपको, छोटे छोटे से क्रैकल्स। तो ये कैसे, ये इफेक्ट कैसे हम ला सकते हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे अभी। ओके, तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं इस इफेक्ट को। इफेक्ट ये बहुत प्यारा है। सबसे पहले आप इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद जब सरफेस आपका प्रॉपर क्लीन हो जाए, इसके बाद आप कोई भी कलर इसमें ले सकते हैं, बेसिकली डार्क शेड, मैं इसमें डार्क शेड प्रेफर कर रही हूँ, तो मैंने ये डार्क ब्लैक कलर लिया है। ब्लैक कलर से डार्क कुछ भी नहीं होता है, मैंने सिंपली ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर। कलर थोड़ा सा ज्यादा लगता है, क्योंकि हम जब अच्छे से वर्क करते हैं और तभी हमारा काम भी अच्छा हो पाता है। कलर लिया, आप स्पंज के थ्रू भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली ये देखिए, क्योंकि अगर हम इसमें कोई लाइट शेड लेंगे तो फिर उसको हमें डबल कोट एटलीस्ट देना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारा प्योर ब्लैक रेडी हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका वेट करना है ये ड्राई हो जाए, तब तक हमें अपना ब्रश क्लीन करके रखना है। अब ये बस मैं वेट कर रही हूँ, ये ड्राई हो जाता है। इसमें आपको जो ग्लू है, आप कोई भी ग्लू नहीं यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको फेविकोल एमआर की जरूरत पड़ेगी, जो आप उसके साथ में ही ये इफेक्ट ला सकते हैं। तो सिंपली मैंने लिया है, बस मैं इसका वेट कर रही हूँ ये ड्राई हो जाए, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा ड्राई हो गया है पूरी तरह से, आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर फेविकोल एमआर की एक थिक लेयर लगानी है। तो ये थोड़ी सी लेयर थोड़ी थिक होनी चाहिए, जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगा हम उसको और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपली आपने यस, तो ये मेरा अच्छे से कलर ड्राई नहीं हो, वो फेविकोल ड्राई नहीं होना चाहिए, इस चीज का प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ड्राई हो रहा है तो आप उसको एक कोट आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखिए, ये हमारा हो गया। ये लगने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें येलो कलर आपको लेना है, जो भी आप इसमें जिस कलर का भी इफेक्ट डालना चाह रहे हैं आप वो कलर ले सकते हैं। मैंने येलो लिया है एंड ग्रीन लिया है। एंड ये ब्लू कलर, व्हाइट भी ले सकते हैं बट ब्लू कलर भी बहुत प्यारा आता है। अगर आपको इसमें स्ट्रोक्स पतले चाहिए, इसमें दो टेक्निक्स हैं, अगर आपको पतले स्ट्रोक्स चाहिए तो आपको पतला ब्रश यूज करना रहेगा, अगर बड़े बड़े स्ट्रोक्स चाहिए तो आपको बड़ा ब्रश यूज करना पड़ेगा। ये मैंने येलो कलर लिया है और ये देखिए मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है।
उसके बाद कलर चेंज करने के लिए सिंपली ब्रश क्लीन करिए। मैंने टील ब्लू लिया हुआ है। आप सिंगल कलर में भी ये इफेक्ट दे सकते हैं, आप दो कलर में भी ये इफेक्ट दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप के कलर्स प्रेफर करने हैं। छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेंगे, डिजाइन आपका प्रॉम्प्ट होके आएगा, महीन स्ट्रोक्स आएंगे अगर आप छोटे छोटे ब्रश के स्ट्रोक्स लेंगे। जैसे मैं बड़े बड़े ले रही हूँ तो इसका इफेक्ट आप लोग देखिएगा। और ये बहुत जल्दी आपको लगाना रहता है, हमें इसको ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा। तो ये आप देखिए, थोड़ा पास से इसको मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा इसका फोकस प्रॉपर करते हैं। ये देखिए क्रैक्स आपके आने स्टार्ट हो गए हैं, आई थिंक शो हो रहा होगा आपको। और ये जब प्रॉपरली ड्राई हो जाएगा ये, यस ये देखिए क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए। ये देखिए येलो और ग्रीन के बीच में येलो के क्रैक्स, ये देखिए ब्लू में इस टाइप से, तो क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए हैं इसमें। अब इसको ड्राई टाइम चाहिए, ड्राई टाइम इसको कम से कम एटलीस्ट 1 आवर तो चाहिए ही चाहिए, 1 to 2 आवर्स आप लोग रख सकते हैं इसको। तो ये क्रैक्स जैसे ही आ जाएंगे आपका पीस रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है हम आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, ये देखिए क्या रेडी होके आया है आफ्टर ड्राई इफेक्ट, कितना सुंदर आया है। ये क्लिप बोर्ड को एक नया लाइफ मिल गई, नई लाइफ मिल गई और क्लिप बोर्ड हमारा नया हो गया। तो ये देखा आपने कितने अच्छे से और कितनी आसानी से हमने इसको इसमें क्रैकल इफेक्ट डाल दिया और डिजाइन बिल्कुल चेंज हो गया। जो हमारा क्लिप बोर्ड ऐसे लगता था प्लेन हो गया था, उसमें ये डिजाइन आ गया। अब ये क्रैकल इफेक्ट मैंने काफी बड़े बड़े डाले हुए हैं, आप लोग इस पे आपको दिख रहे होंगे काफी बड़े बड़े इसमें क्रैक्स आए हैं। एक्चुअली में मैंने जो ब्रश का जो था स्ट्रोक वो मैंने बड़ा बड़ा लिया था, ब्रश लेंथ वाइज ब्रश चलाया था और बड़ा बड़ा ब्रश, मतलब मेरा ब्रश का नंबर भी आई थिंक 5 या 6 था, तो उस वजह से आपका ये इस तरह से आया। और ये आप देख रहे हैं ये इसके साथ में कलर्स चेंज है इसमें, ये जो क्रैकल इफेक्ट है ये देखिए, ये जो इफेक्ट है ये आपका पतले ब्रश से है, ये 2 नंबर के ब्रश से ये किया गया है और ये 5 या 6 नंबर के ब्रश से किया गया है। तो दोनों के इफेक्ट में कितना डिफरेंस आ गया है आप लोगों को आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आपको छोटे स्ट्रोक्स चाहिए तो आपको स्मॉल साइज नंबर ब्रश यूज करना पड़ेगा एंड बिग स्ट्रोक्स के लिए बड़ा साइज। अब इसके बाद इसमें तो आई थिंक दिस वन इज सफिशियंट, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह से, ये डायरी हमारी है, ये भी क्रैकल इफेक्ट की डायरी है, ये देखिए ये डायरी है हमारी क्रैकल इफेक्ट की डायरी है। इसमें भी कलर्स मैंने चेंज दिए हैं। इसमें एक्चुअली में ये लोटस मुझे किसी मैगजीन में की कटिंग में मिला था, ये लोटस मैंने पेंट नहीं किया है, आपको लग रहा होगा ये देखिए ये लोटस मैंने पेंट नहीं किया है, ये जस्ट डेकोपॉज के थ्रू इसमें स्टिक किया है। और ये नीचे लीव्स मैंने इसकी पेंट की हैं, ये जो लीव्स हैं ये मैंने इसकी पेंट की हैं। और ये क्रैकल इफेक्ट क्योंकि लोटस का कलर हल्का सा ब्लूश था तो सेम इफेक्ट मैंने डायरी में दिया, ये देखिए पीछे बैक में भी। तो आपने देखा कितने आसानी से ये चीजें बन जाती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। तो आप इसमें भी अगर आपका आप कुछ अगर बना रहे हो तो आप उसमें आप इस टाइप से इमेज, कोई भी इमेज आप पिक्चर क्लिक करके आप इस तरह से इसमें स्टिक कर सकते हैं। बिकॉज ये सिर्फ सिंपली आपको कटिंग क्या करनी है, कटिंग का आपको ध्यान रखना है, सिंपली आपको जस्ट पिक्चर की कटिंग करनी है। ये आपने पिक्चर कटिंग कर ली, कटिंग करके आपने इसमें ये देखिए मैं आपको शो करती हूँ, आपको और बेटर वे में शो हो जाएगा, जस्ट वेट। बिकॉज मुझे इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज आप इसमें
ये सिंपली कॉर्नर में इसको आप इस तरह से बिठा सकते हैं। ये पूरा कटिंग आपको प्रॉपर करनी रहेगी। इसकी कटिंग आपने प्रॉपर की और इसको साइड में, बिकॉज ये कलर देखिए मैच कर रहा है, तो ये आराम से आप इस तरह की कोई भी पिक्चर आप लेके आप इमेज कलर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या कुछ भी। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड ये इफेक्ट आप बॉटल्स वगैरह में भी दे सकते हैं, सिंपली कलरफुल बॉटल्स बहुत सुंदर लगती हैं क्रैकल इफेक्ट के साथ में। तो सेम मेथड के साथ में आप इस इफेक्ट को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट DIY के साथ में। टिल देन बाय बाय।